गिरेगा। बच गया। बच गया, बचा लिया मम्मा ने। ये मेरा राजा बेटा हो गया है तैयार। देखो ऊपर से लेके नीचे तक देखो, प्रंशु ने हेयर कट कराया है। कितना सोना बाबू लग रहा है हमारा, स्कूल जाएगा। विजय जाकर उई गिरेगा, गिरेगा वहाँ गिरेगा। सुबह सुबह का टाइम है, पंचज हो गया है रेडी। और अब देखिए पंचज करेगा ये वाले, नहीं ये वाले नए वाले पहनो, ये तो गंदे हैं पंचज, चिची के हैं ये अच्छे नहीं लगते। ये पहनूंगा अपनी मर्जी से, पंचज को हर चीज चाहिए जो इसका मन करता है वो इसको पहनना होता है। और ये देखिए पंचज हो चुका है पूरी तरह से रेडी, अब नीचे जाएगा, नीचे जाके नाश्ता वाश्ता करके रेडी हो जाएगा। स्कूल बैग हमने पंचज का तैयार कर दिया है। मैडम ने बोला है कि वैसे तो पंचज बता देता है शुशु पोटी के लिए, बट मैडम ने बोला है कि एक एक्स्ट्रा ये वाले पहनोगे, कौन से पहनोगे, तो हमने ये तरह से ये एक अच्छी और एक ये निकल हमने रख दिया है प्रिंसेस का, ये वाला ये निकल और ये कच्ची हमने प्रिंसेस के बैग में रख दिया है। पहले दिन हमने प्रिंसेस को डायपर पहना के भेजा था, तो मैडम ने बोल दिया है कि डायपर पहनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बच्चों को धोने के लिए हैं आंटी, तो बच्चे जिनको आंटी बोलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, वैसे तो प्रिंसेस बता देता है, तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए ये मैंने कपड़े बैग में रख दिए हैं प्रिंसेस के। ये देखिए प्रिंसेस ने अपने आप से सैंडल पहन लिए हैं, प्रिंसेस स्मार्ट होता जा रहा है, अपने काफ़ी कुछ काम अपने आप करने लगा है। ये देखिए वाह प्रिंसेस, नहीं हुआ हो तो गया okay. Yes. मैं करूंगा। ओके ओके, पैर पीछे की तरफ करो बेबी, पैर पीछे की तरफ करो, तब सही से बंद होंगे, ये लूज रह जाएंगे, नहीं तो रह जाएंगे। इधर आना एक बार, इधर आना, रुमाल दे दी लो, पहले हेलो बोल दो एक बार, लो इधर है रुमाल आपका, थैंक यू आपका, इधर है बैग में, रुको बेटा रुक जाओ मैं दे दूँ, वहाँ नहीं है, वहाँ कच्ची है, चेन बंद कर दो। ये रहा प्रिंसेस का रुमाल और ये हो गया प्रिंसेस तैयार। प्रिंसेस हेलो बोल लो, बस हेलो, आप सब कैसे हैं? मुझे आ गई आज सुबह सुबह मुझी में, तो छींक आ गई है तो इसलिए थोड़ा रनी नोज हो जाती है। इधर रख दूँ तो आप प्रिंसेस को ब्रेकफास्ट वगैरह करा के नीचे के जाएंगे, तो बैग ले जाओ इसको। चलिए तो हम भी अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, प्रिंसेस तो नीचे जाके रेडी होके स्कूल चला जाएगा, हमें अपना काम करना है कंप्लीट। मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। जी नहा धोते होते हैं तैयार, काफ़ी देर हो गई है नहाए गए, तो समय हो रहा है 11:15 का, 11:15 बज रहे हैं। और लंच में डिसाइड हुआ है कि हम बनाएंगे आज कढ़ी चावल, वैसे तो आज दीदी का फास्ट है दूध का, और क्या करें रुका नहीं जा रहा आज, अभी बनाएगी ना तो आज तो कहीं बनते देखिए। 9 तारीख से हो जाएंगे नवरात्रे शुरू, नवरात्रों का फास्ट रखते हैं प्रिंसेस के ताऊ जी और ताई जी और भाभी, तब थोड़ी मट्टी की शॉर्टेज हो जाएगी, तब थोड़ा सा मुश्किल है कड़ी का बनना, इसलिए ये देखिए
पकौड़ियाँ बनाई जा रही हैं कढ़ी में डालने के लिए। हमारे हाथ से टाइट बन गई है तो आज हमने पकौड़ियों में डाला है खाने वाला सोडा। तो सोडा डालने से पकौड़ियाँ सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, टाइट होती है। ये क्वालिटी हमारे में ही है कि हमारे बच्चे पकौड़ियाँ टाइट हो जाती हैं। मतलब सोडा वगैरह अगर डाल दो तो सही हो जाएंगी। एक बार कर दिया था, ये डाल लेते हैं हम। हमें तो पीसने हैं लाल मिर्चे। 12 बजे जाके ले आएंगे जाके। फोन खोस लिया और प्रंशु ने नागिन का रूप धर लिया था, करवट ले रहा था बार बार इधर उधर। ये देखो नाराज हो गया प्रंशु हमसे, लेट गया है। और प्रंशु ने देखिए एक पिलो वो फेंक दिया है और 2 पिलो फेंक दिए है कुशन सॉरी। परंतु इसी तरह से करता है, परंतु गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आने लगा और अपनी मम्मी के साथ भी लड़ाई कर रहा है। ये देखो कुश्ती कर रहा है अपनी मम्मी के साथ भी। इसी तरह से कुश्ती करता है, दंगा करता है, शैतानी करता है, गुस्सा आ जाता है तो बस कुर्सी फेंक देता है, जो भी हाथ में आता है सामान वही फेंक देता है। ये अच्छी बात नहीं है, पर चलिए छोटा बच्चा है अभी, यही कह सकते हैं। बड़ा हो जाएगा तो कहेंगे हाँ। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के व्लॉग की एंडिंग करते हुए आप सब लोगों से विदाई लेते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, नए व्लॉग नए दिन के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।